Hey guys, welcome back to my channel. So, आज का वीडियो है स्किन टाइप डिटेक्ट करने का और स्किन टाइप हमें कैसे पता चलेगा वो बताऊंगी मैं. बट कुछ लोगों के माइंड में आता होगा कि क्यों स्किन टाइप जानना है, राइट? हमारा स्किन टाइप जो भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, तो गलत बात है. स्किन टाइप हमें इसलिए जानना होता है क्योंकि फाउंडेशन जो हम अप्लाई करेंगे प्लस स्किन केयर जो हम करते हैं ये सारा डिपेंड करता है स्किन टाइप के ऊपर में. हमारा स्किन टाइप एक ड्राई होता है, एक नॉर्मल होता है, एक ऑयली होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, एक सेंसिटिव होता है, ठीक है? तो अब पता कैसे चलेगा कि लाइक हमारा स्किन टाइप है क्या? बहुत लोग बोलते हैं ऑयली है, बहुत लोग बोलते हैं ड्राई है, लेकिन एक परफेक्ट बताऊं कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना जिससे पता चला कि हाँ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है तब मुझे पता चला कि स्किन टाइप मेरा क्या है, राइट? तो मैं दो तरीके बताऊंगी. पहला तरीका फेस वॉश करना है. उसके बाद फिर फेस वॉश करने के बाद एक या दो घंटे तक का आपको नॉर्मल टेम्परेचर में रहना है. नॉर्मल टेम्परेचर में रहने के बाद आपको क्या करना, हमें कैसे पता चलेगा? मैंने एक टिश्यू पेपर वाला बता दिया. अब नेक्स्ट मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी वो है कि रात में आप जब सोओगे, फेस वॉश करके सोना है, कुछ भी नहीं लगाना है. उसके बाद जब आप उठोगे, उठने के बाद आप क्या करोगे, वो फेस को अच्छे से लाइक बिना वॉश के आप देखोगे कि ऑयल कहाँ कहाँ है. अगर आपका टी जोन एरिया में सेम देखना है, ऑयल अगर टी जोन एरिया में है और इधर ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, पूरा ऑयली है, ऑयली है, पूरा ड्राई है, ड्राई है, अगर बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है स्किन में, तना रहा है स्किन, तो एक्सट्रीम ड्राई है. अगर आपका स्किन नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल स्किन है. अगर थोड़ा थोड़ा रैशेस हो रहा है तो लाइक वो सेंसिटिव. अब मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, तो चलो देखते हैं कि ऑयली स्किन कैसे होते हैं, ड्राई स्किन कैसे होते हैं, ठीक है? अब मैं बताऊंगी कि अगर लाइक एक घंटे के बाद आप नॉर्मल इसमें देखोगे और उसके बाद क्या करना है आपको. अगर आप ऐसे करके एक घंटे के बाद ट्राई करोगे टिश्यू पेपर और इस तरीके से अगर आपको दिखा, ये देखो टी जोन एरिया, ये एरिया ऑयली है, ये एरिया ऑयली है और यहाँ पे बाकी सब ड्राई है, तब ये है आपका कॉम्बिनेशन स्किन. अगर आप इसे ऐसे लोगे और एक घंटे के बाद ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे पूरे स्किन पे, आप देखो अगर पूरा ऑयली आपका दिखा, देखो जैसे मेरा ये टिश्यू में दिख रहा है का, ऐसे पूरा फेस का लाइक स्ट्रक्चर बन गया आपके टिश्यू में, ये देखो पूरे फेस ऑयली ऑयली पूरा है, तो ये ऑयली स्किन है. नेक्स्ट उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर आप ऐसे ले करके पूरा ट्राई कर लिए, टिश्यू को अच्छे से प्रेस करके देख लिए और कुछ भी नहीं आया, ज़रा भी ऑयल नहीं आया, एकदम आपका लाइक टिश्यू नॉर्मल है, तो ये आपका ड्राई स्किन है. और ड्राई स्किन वालों का स्किन अगर यहाँ से खिंचाव हो रहा है बहुत ज़्यादा, लाइक ड्राई स्किन में यहाँ पे आपको ड्राइनेस होगा, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, तो ये सारे तब जाकर के आपका बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है या ड्राई स्किन है नॉर्मल. और देन अगर आपका स्किन ऑयल टेस्ट भी किए कुछ नहीं निकला, प्लस आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, लाइक आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आपका वो जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन है, दैट इज द बेस्ट, ट्रस्ट मी, तो वो लोग ब्लेस्ड है. तो गाइस ये था मेरा टेस्ट जो आप कर सकते हो. मैंने मॉइस्चराइजर लगा करके दिखाया था क्योंकि मेरा ड्राई स्किन है. करता है आपके वेदर कंडीशन से, क्लाइमेट कंडीशन से, आपके लाइक मेडिसिन आप क्या खा रहे हो, देन वो टेम्प्रेरी स्किन चेंजेस हो गए आपके. उसके बाद फिर उसमें भी डिपेंड करता है कि आप डाइट क्या ले रहे हो, तो ये सब चेंजेस से आपके स्किन टाइप पे इफेक्ट होता है. प्लस आपका जो नॉर्मल है, ओरिजिनल जो स्किन टाइप है, आप उस पर फोकस करके अपने प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हो. सो ये था मेरा वीडियो.
अगर आप लोगों को पसंद आया हो और समझ में आया हो स्किन टाइप, तो आप प्लीज जा करके ये एक्सपेरिमेंट करके अपने स्किन टाइप पता करो और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट लेना है। बट मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो और स्माइल आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ यू वॉन्ट, बिना कीमत जाना अगर अच्छा लगा हो। अच्छा नहीं लगा हो तो कोशिश रहेगी आगे अच्छी हो। चलो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड योर स्माइल।